हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हयात वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम में। आइए देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या टॉपिक पढ़ना है। स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रही है, ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में बॉडी है ना बच्चों, वो ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रही है। ग्रेविटी के अंडर मोशन करने का मतलब ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि क्या तो हमने बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया है बच्चों, या हमने बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया है, या हमने बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया है बच्चों, समझ आ रही बात। यानी जब भी बॉल का मोशन एयर में होगा बच्चों, काहे में होगा, एयर में, इस मोशन को हम लोग नाम देंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए अब मोशन अंडर ग्रेविटी को समझने के लिए हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, तभी आप मोशन अंडर ग्रेविटी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। वो पॉइंट कौन से हैं जरा समझिए। बॉडी ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, यानी आपने किसी बॉडी को इस तरीके से छोड़ दिया, ऐसे यहां से हमने बॉल को छोड़ दिया, तो ये हमारी फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाएगी बच्चों, समझ आ रही बात। ओके, ए ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट इज सेड टू बी अ फ्री फॉल वेयर द इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड एक्सीलरेशन जी और डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर है। देखो भाई, मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा। मान लीजिए कि ये एप्पल है, एप्पल वाली कहानी तो सुनी होगी ना बच्चों आप लोगों ने, न्यूटन बाबा और एप्पल की पूरी कहानी क्या थी, कि भाई उसके सर पे एप्पल गिरा, उसने ग्रेविटी को ही डिस्कवर कर दिया। बस उसका एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ उठा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अभी ये जो एप्पल है अपने पास में, वो यहाँ पर है बच्चों, मैं कह सकता हूँ कि एप्पल यहाँ पर रेस्ट में है, एप्पल रेस्ट में है, यानी एप्पल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर है। कुछ जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझकर चलना है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। अब आप देखिए, हम यहाँ से एप्पल को छोड़ने वाले हैं, ड्रॉप करने वाले हैं। एक वर्ड हमारे सामने आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉप। जब भी ये ड्रॉप वर्ड आएगा ना, आप समझ जाएंगे कि आप किसी भी बॉडी को ड्रॉप करा रहे हैं, यानी छोड़ रहे हैं। यानी एप्पल शुरुआत में रेस्ट में था और हमने यहाँ से एप्पल को छोड़ दिया, समझ आ रही बात। एप्पल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर है। अब देखो, ये एप्पल यहाँ से भाई एकदम से धड़ाम से एप्पल कहाँ गिरा, एकदम से एप्पल नीचे गिरा, समझ में आ रही बात। सो एप्पल पहले यहाँ था, अब एप्पल पहुँच चुका है बच्चों यहाँ पर, यानी ये तो हमारे पास में कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारे पास में कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। हमने माना कि जब ये एप्पल ग्राउंड से टकराया तब इसकी वेलोसिटी थी v, कितनी वेलोसिटी थी v, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपके पास में h, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है। देखो भाई, शुरुआत में एप्पल मेरे पास में यहाँ है, एप्पल रेस्ट में है, इसीलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर है। यहां से मुझे एप्पल को छोड़ना है, तो पहला पॉइंट इस चैप्टर में ये आता है बच्चों, यानी इस टॉपिक में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कि जहां से बॉडी को थ्रो किया जाएगा या जहां से बॉडी को छोड़ा जाएगा, उस पॉइंट को आपको ओरिजिन मानना है। क्या मानना है, ओरिजिन। अब मुझे एक बात बताइए, एप्पल को यहां से छोड़ा जा रहा है, तो इस पॉइंट को आप लेट करेंगे बच्चों ओरिजिन, इस पॉइंट को आप ओरिजिन मानेंगे, क्या मानेंगे, ओरिजिन, समझ आ रही है बच्चों बात। इस पॉइंट को आप ओरिजिन लेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने जैसे ही एप्पल को यहां से छोड़ा, एप्पल नीचे गया, किस डायरेक्शन में गया, एप्पल वाई की डायरेक्शन में गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी वी है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट एच है। एप्पल कहां जा रहा है, एप्पल जा रहा है नीचे, तो इसका एक्सीलरेशन होगा ग्रेविटी के बराबर, क्योंकि जब कोई बॉल फ्री फॉल करती है ना बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, क्या करती है, फ्री फॉल,
जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सिलरेशन ग्रेविटी के बराबर होता है। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक पॉइंट, दो पॉइंट मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूं, दोनों पॉइंट को ना बिल्कुल निचोड़ कर पकड़ कर चलना है आप लोगों को। पहला पॉइंट, जहां से बॉल को एप्पल को फेंकेंगे या ड्रॉप कराएंगे, समझ आ रही बात, उस पॉइंट को आपको ओरिजिन मानना है। क्या मानना है? ओरिजिन। दूसरी बात, ओरिजिन के ऊपर सभी चीजों को लेना है पॉजिटिव, जैसा कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप लोग लेते हैं ना यार, 10th क्लास में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़कर आए हैं, वहां आप लोगों ने पढ़ा इस तरफ होता है पॉजिटिव, इस तरफ होता है नेगेटिव, ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव। समझ आ रही है बच्चों बात? अब आप ये देखो कि हमारे पास में जो ग्रेविटी है, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है, एक्सीलरेशन ओरिजिन के नीचे है इसीलिए माइनस लिया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट, ये भी ओरिजिन के नीचे है, ये भी माइनस ली जाएगी। ये जो वेलोसिटी है, ये भी ओरिजिन के नीचे है, ये भी माइनस ली जाएगी। बच्चों ये जो वेलोसिटी है ना बच्चों आपके पास में, ये भी हमारी ओरिजिन के नीचे है इसीलिए ये भी माइनस ली जाएगी। बच्चों तो ये सारी कंडीशन हम लोगों को लेनी है। आप ये समझिए कि ये जो आपके सामने पूरी स्क्रीन है ना बच्चों, यहां से बस तीन बातें आप लोग सीखते हैं। पहली बात, जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा तो आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मानना है। दूसरी बात, जिस पॉइंट से बॉल को फेंका जाएगा या ड्रॉप कराया जाएगा उस पॉइंट को आपको ओरिजिन मानना है। समझ आ रही है बात? तीसरी बात, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, ये बात हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आप लोगों को कंडीशन बताता हूँ भाई, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छे से, आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। मैं हालांकि इतना डीपली आप लोगों को बता दूंगा कि आपको परेशानी आएगी नहीं, सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास में स्टूडेंट आती है वो ये है। ये देखिए, ये हमारे पास में मोशन की इक्वेशन है बच्चों, ये हमारे पास में मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इनके अकॉर्डिंग चलिए, मैं आपसे कहूंगा कि भाई मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास में वो ये है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और चौथी इक्वेशन है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू 2n-1। ये हमारे पास में मोशन की चार इक्वेशन है। कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम इन चार इक्वेशन का सॉल्व यूज करके ही निकालेंगे। बस इन चार इक्वेशन को अप्लाई करने का तरीका ये है, मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इन चारों इक्वेशन को अप्लाई करने का तरीका ये है कि जहां से बॉल को फेंका जाएगा उसे मानना है ओरिजिन। मान लो कि मैं यहां से बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहा हूं तो इसे ओरिजिन मानना है। ओरिजिन के ऊपर अगर कोई बॉडी ओरिजिन के ऊपर जाएगी ना तो उसे लेना है पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर लेना है नेगेटिव, ओरिजिन के इधर लेना है पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे की तरफ लेंगे सभी चीजों को नेगेटिव। ये बहुत जरूरी बात है, मतलब ये समझ लो कि मैंने इस पूरे चैप्टर का रिजल्ट आप लोगों को बता दिया, बहुत सुपर पॉइंट मैंने आपको बता दिया है बच्चों, कि जहां से बॉल को फेंका जाएगा उसे ओरिजिन मानना है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ये बात अच्छे तरीके से स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे पास में आगे रिजल्ट क्या बनने वाला है बच्चों, ठीक है। कुछ कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, अब हम लोग उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए वो कंडीशंस कौन सी हैं भाई, जरा हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए देखिए वो कंडीशंस कौन सी हैं, जरा हम लोग देखते हैं। कंडीशन ये है बच्चों,
मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है अपने पास में, ठीक है, ग्राउंड लेवल। यहां से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया u वेलोसिटी से, समझ आ रही बात? बॉल हमारी यहां तक जाती है और यहां जाकर बॉल आ जाती है रेस्ट में। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हमने चला है वो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों h, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस आप लोगों को इस बात को समझ के चलना है बिल्कुल ध्यान से। देखो, सबसे पहली बात, हमने बॉल को यहां से थ्रो किया है, तो जिस पॉइंट से हमने बॉल को थ्रो किया है उस पॉइंट को ओरिजिन मानना है। मान लिया ओरिजिन, बिल्कुल मान लिया भैया, मान लिया है ना ओरिजिन, बहुत बढ़िया। ये इनिशियल पॉइंट है, यहां जो वेलोसिटी है वो है u, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन के ऊपर है या नीचे है? आप कहोगे कि सर ऊपर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये y की डायरेक्शन होती है या x की डायरेक्शन होती है? आप कहेंगे कि सर ये होती है y की डायरेक्शन। तो हम लोग लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। देखो मैंने क्या लिखा है बच्चों, मैंने लिखा है uy, uy का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन में, वो है मेरे पास में प्लस u। प्लस u इसलिए क्योंकि हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है और बॉल हमारी ऊपर जा रही है, इसीलिए मैंने इसे प्लस u लिया है बच्चों, ठीक है। अब आप लोग देखिए आगे। अच्छा भाई, बॉल यहां जाकर रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है, यानी ये तो इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो, क्योंकि बॉल यहां जाकर रेस्ट में आ गई, बॉल यहां जाकर रुक गई। और बॉल के रुकने का मतलब यह है कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर हो गई, तो इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा है वी वाई इज इक्वल टू जीरो। दो चीजें निकल गई। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल ध्यान से हमारी बात को समझे, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी बॉडी यहां से लेकर यहां तक गई है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, h y की डायरेक्शन में है। हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और y का मतलब है y की डायरेक्शन में। अबे समझ आ रही है बात, हम लोग लिखेंगे sy का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ओरिजिन के ऊपर है या ओरिजिन के नीचे है? ओरिजिन के ऊपर है, और कितना है, h है। हम लोग लिखेंगे प्लस h, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ये है हमारे पास में प्लस एच। भाई मैं तीन ही रिजल्ट बना सकता था, वो तीन रिजल्ट मैंने आपके सामने बनाए। वो तीन रिजल्ट कौन कौन से हैं ये आप लोग समझ लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी वाई की डायरेक्शन में है प्लस यू, फाइनल वेलोसिटी वाई की डायरेक्शन में है जीरो, डिस्प्लेसमेंट वाई की डायरेक्शन में है प्लस एच। अगर ओरिजिन के नीचे होता तो माइनस लेते, क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर था इसीलिए प्लस लिया है। और हमेशा ध्यान रखेंगे वाई की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है बच्चों, चाहे ओरिजिन कहीं भी मानो, कैसे भी मानो, कुछ भी करो, ये चौथा वाला जो बॉक्स है ना बच्चों, ये हमेशा फिक्स है बिल्कुल। वाई की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो ऑलवेज माइनस ग्रेविटी के बराबर होगा, हमेशा माइनस ग्रेविटी के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताएं, कौन कौन से डेटा हैं आपके पास में? भाई हमारे पास में चार डेटा हैं। हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है वाई की डायरेक्शन में, हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी है वाई की डायरेक्शन में, हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास में एक्सीलरेशन है। ये चारों डेटा यानी चारों वेरिएबल यूज करके जिस इक्वेशन को बनाते हैं, उस इक्वेशन का नाम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो होती है बच्चों ये वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। लेकिन बॉल का मोशन वाई की डायरेक्शन में हो रहा है ना, अबे ये वाई की डायरेक्शन होती है ना गधो, ये वाई की डायरेक्शन है, तो इसीलिए हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे वी वाई, इसे लिखेंगे यू वाई, इसे लिखेंगे ए वाई, इसे लिखेंगे एस वाई। वाई की डायरेक्शन में काम हो रहा है, क्योंकि मोशन की इक्वेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि इसे हम सिर्फ एक इक्वेशन में अप्लाई, एक डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, यानी सारे के सारे टर्म वाई की डायरेक्शन में है। अब मुझे बताओ वी वाई
फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू, यू का स्क्वायर करेंगे ये टू, वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस के ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, रिजल्ट बना मेरे पास में यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, दिस इज द फाइनल रिजल्ट भैया। सवाल खूब करेंगे इसके ऊपर, खूब बढ़िया करके सवाल बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लें अपने। अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो क्या सवाल करेंगे हम, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमें अपने बेसिक्स को बहुत मजबूत करना है बच्चों, बहुत स्ट्रांग करना है अपने बेसिक्स को कि हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। आप लोग झट से इसे फटाफट नोट आउट करिए बच्चों, हम लोग फिर आगे बात करेंगे। मैं रफ कर रहा हूं बच्चों इसे, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम लोगों को और आगे बात करनी है और देखते हैं कि क्या रिजल्ट अपने पास में बनेगा। देखो यार, दूसरी सिचुएशन ये है भाई, ये तो है ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है स्टूडेंट, और ग्राउंड लेवल के ऊपर ये बना हुआ है एक ब्रिज, ठीक है, ये कुछ ऐसे दे रखा है भाई, इमेजिन कर लो, ठीक है। नहीं यार, क्योंकि इतना तो हमारे पास में टाइम भी नहीं है कि हम आपको पूरा ब्रिज बनाकर दिखाएं। यहाँ ब्रिज की जो हाइट है वो h है, और मान लो कि तुम में से एक बालक ब्रिज के ऊपर यहाँ है, बालक के हाथ में है बॉल कुछ इस तरीके से, और ये बालक ब्रिज के ऊपर से बॉल को छोड़ना चाहता है, ड्रॉप करना चाहता है। अब आप बात को समझिएगा, ये बताइए कि ये स्टूडेंट बॉल को कहाँ से छोड़ना चाहता है, बॉल को यहां से छोड़ना चाहता है, तो इस पॉइंट को हम मानेंगे ओरिजिन। क्या मानेंगे? ओरिजिन, जहां से हमें बॉल को छोड़ना है ना बच्चों, उस पॉइंट को हम ओरिजिन लेट करेंगे। तो बॉल को यहां से छोड़ना है, हमने इसे ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अच्छा, बॉल को छोड़ना है यानी बॉल को ड्रॉप करना है, ड्रॉप का मतलब यह है कि जैसे ही हम बॉल को छोड़ेंगे बॉल तेजी के साथ में नीचे जाएगी, बॉल को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने का मतलब यह है कि शुरुआत में बॉल रेस्ट में है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर है। समझ आ रही बच्चों बात? जब ये बॉल यहां से छुटकर ऐसे नीचे आएगी और नीचे आकर छपाक से ग्राउंड से टकराएगी, और जब ग्राउंड से ये टकराई तब इसकी वेलोसिटी है वी। कोई कितनी है भाई वेलोसिटी वी? अब मुझे एक बात बताओ, ये तो रहा ओरिजिन और ये रहा v, है v, ये जो v है, ध्यान से मुझे बताइएगा बच्चों, ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है, बॉल को ब्रिज के ऊपर से छोड़ा और जब बॉल ग्राउंड से टकराई उस समय बॉल की वेलोसिटी v है, यानी फाइनल वेलोसिटी है। y की डायरेक्शन में है ना, y की डायरेक्शन में, तो ये तो हो गया u y, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जीरो, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हो गया माइनस के v। माइनस वी क्यों हुआ बच्चों? प्लस माइनस के साथ चलना बहुत जरूरी है। अब तक आपने ऐसे प्लस माइनस सिर्फ मिरर में देखे होंगे या लेंस में देखे होंगे, लेकिन फिजिक्स में पूरी साइन कॉन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है स्टूडेंट। तो यहां पर आ गया यहां पर आ गया अपने पास में माइनस, क्योंकि ओरिजिन के नीचे है। समझ आ रही बात? अच्छा, अब हम लोगों को लेना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे, जरा ध्यान से समझे, बॉल को हमने यहां से छोड़ा है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और बॉल यहां आकर गिरी है। हमें यह नहीं देखना बॉल कहां से आई, किस तरीके से आई, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है, ये तो है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, और ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बराबर है हाइट के, है ना, हाइट के। ये ओरिजिन है, ये जो हाइट है ये ओरिजिन के नीचे है। हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस के एच, और एक्सीलरेशन मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चों कि y की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है वो ऑलवेज माइनस ग्रेविटी के बराबर होता है। तो हमारे पास में चार डेटा हैं और चारों डेटा को मैं आपके सामने लिख चुका हूं बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जीरो, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस v, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन माइनस के एच, और एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये तो रहता ही माइनस ग्रेविटी है, चाहे बॉल को ऊपर फेंको या बॉल को नीचे फेंको, हमेशा यही सिचुएशन रहेगी बच्चों।
अब चारों डेटा हैं आपके पास में, अब मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर U, V, S और A तीनों आते हैं, हम चारों आते हैं, हम कहेंगे भाई ऐसी इक्वेशन है मोशन की थर्ड इक्वेशन, और मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है ये। अब चूंकि बात हो रही है y डायरेक्शन की, तो यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y, हम वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ से आंसर बनाएंगे तो पूरा आंसर हम लोगों का निकल जाएगा बच्चों, ऐसे हम लोग करने वाले हैं। अच्छा सुनिए बात को ध्यान से, अगर मैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाता तब क्या होता, बात कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, वाई की डायरेक्शन में, मोशन की सेकेंड इक्वेशन होती है बच्चों ये मोशन की सेकेंड इक्वेशन होती है स्टूडेंट। अब चूंकि बात हो रही है वाई की डायरेक्शन में, तो यहाँ होता एस वाई, यहाँ होता यू वाई, यहाँ ए वाई है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से तो टाइम निकल जाता कि भाई बॉल को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, और यहाँ से निकल जाता वी, यानी बॉल जब ग्राउंड से टकराएगी तो टकराते समय उसकी कितनी वेलोसिटी होगी।